हेलो फ्रेंड्स, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए चाहिए बेसन। ये हल्का सा रवादार बेसन है, जो दानेदार बेसन है, थोड़ा मोटा बेसन है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, और हल्का हल्का सा इस तरीके से जब आप हाथ में मलेंगे तो हल्का सा दाना सा आएगा, तो वैसा बेसन चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा बेसन नहीं होना चाहिए और बहुत एकदम महीन बेसन भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हल्का सा दानेदार बेसन चाहिएगा। चीनी चाहिए, इलायची पाउडर, केसरिया रंग, ये कलर ऑप्शनल है, अगर आप कलर ना डालना चाहें तो ना डालें। पानी और तलने के लिए घी या तेल। सब्सक्राइब कीजिए सौम्याज किचन को और बेल आइकॉन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट रेसिपी देखने के लिए। आइए बनाते हैं। एक बड़ा बॉल लेंगे, बॉल में बेसन डालेंगे। ये 2 कप बेसन लिया है मैंने। इसको घोल लेंगे, जैसे पकौड़ियों का घोल घोलते हैं उसी तरीके से इसको घोलना है। इसमें ना ही सोडा डालना है, ना ही बेकिंग पाउडर डालना है, ना ही कोई और चीज़ डालनी है, आपको केवल पानी डालना है इसमें। घोल को घोल लेना है। आप देख सकते हैं, ना ही तो ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है। जैसे पकौड़ियों का घोल होता है, सेम उसी तरीके का घोल है ये। इस घोल को बिल्कुल भी रखना नहीं है, आपको तुरंत ही इसकी बूंदी बनानी स्टार्ट कर देनी है। कढ़ाई में घी को डाल दिया है और बूंदी सिकने में सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बूंदी सिकने में। अब हम बनाएंगे इस तरीके के झाबे से, थोड़ी ये मोटी बूंदी के बनेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें पीछे की तरफ कटोरी बनी हुई है, हमें इसी तरीके का झाबा चाहिए। पीछे से ये प्लेन नहीं होना चाहिए, आपके पास जितना मोटा या जितना पतला झाबा हो आप उस हिसाब से ले लें। और जितनी मोटी बूंदी बने या जैसे झाबा होगा आपके पास उस हिसाब से बूंदी बनेगी। और आप देखेंगे बूंदी जब हम डालेंगे तो इसमें से अपने आप बूंदी गिरनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको झाबे को हिलाना पड़े। जितने एक बार में बूंदी अच्छी तरीके से आ जाएगी उतनी बूंदी हम कढ़ाई में तल लेंगे। आप देख सकते हैं गोल गोल बूंदी बनी है, थोड़ी बहुत लंबी हो गई है। अगर थोड़ा सा हिला देंगे हम झाबे को तो बूंदी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हल्की गुलाबी होने तक बूंदी को सेक लेंगे। बूंदी गोल्डन ब्राउन हो गई है, 2-3 मिनट लगे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा है बूंदी को सिकने में। और बूंदी को अब प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बूंदी बनी है। इस तरीके से बूंदी को निकाल करके सारे बेसन से इसी तरीके से बूंदी बना लेंगे। जितनी बूंदी एक बार कढ़ाई में ढंग से आ जाएगी उतनी बूंदी डालने के बाद झाबा है उसको बेसन के कटोरे के ऊपर ही रख देंगे, जिससे कि सारा बेसन कटोरे में ही आ जाए। आप देखेंगे एकदम गोल बूंदी बनी है।
ये भी बूंदी सीख गई है, बूंदी को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है बूंदी का। आप देख सकते हैं ये बूंदी सीख चुकी है और ये अभी बहुत गर्म बूंदी है, तो लड्डू बनाने के लिए गर्म बूंदी का यूज़ नहीं करेंगे। बूंदी जब ठंडी हो जाएगी तब हम लड्डू बनाएंगे, तब हम चाशनी बनाएंगे। पहले करीब आधे घंटे के लिए बूंदी को इसी तरीके से रखा रहने देंगे जिससे कि बूंदी थोड़ी ठंडी हो जाए। बूंदी ठंडी हो चुकी है, एकदम से ठंडी हो गई है बूंदी। अब चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए अगर आपको बूंदी के लड्डू परफेक्ट बनाने हैं जैसे हलवाई बनाते हैं सेम उसी तरीके से, तो जिस तरीके से इसमें जितने ग्राम से बताया गया है सेम उतने ही आप उसी ग्राम से लें। 250 ग्राम बूंदी ली है, ये नाप लिया है मैंने, 250 ग्राम बूंदी है ये। 310 ग्राम चीनी है, 175 ml पानी है। तो आप ये नाप करके लें तभी आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। 175 ml वाटर, 310 ग्राम चीनी और 250 ग्राम बूंदी। अब चाशनी बनाते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे पानी, साथ में डाल देंगे चीनी। अगर आपकी चीनी गंदी है, अगर चाशनी गंदी है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके और उबाल लें, सारी गंदगी ऊपर की तरफ आ जाएगी। ऊपर से जो गंदगी है वो हटा दें तो चाशनी एकदम साफ हो जाएगी। लड्डू के लिए चाशनी ना ही तो तार वाली चाशनी चाहिए ना ही पतली चाशनी चाहिए, हाथ पे चिपकने वाली चाशनी चाहिए। उसमें तार नहीं बनना चाहिए, नहीं तो आपके लड्डू पर जो सफ़ेद सफ़ेद चीनी जम जाती है, खांड जम जाती है जिसको बोलते हैं, खांड जम गई है तो उस तरीके से वो खांड जम जाएगी। तो ना ही तो तार वाली चाशनी बनाएं और ना ही पतली चाशनी बनाएं। चीनी एकदम पिघल गई है, इसी में डाल दें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और जितना रंग डालना चाहे, अगर रंग डालना चाहे तो रंग डाल दें। मैं इसमें थोड़ा सा केसरिया रंग डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा लड्डुओं का। अब एक बार चेक कर लेंगे चाशनी को, हल्का सा हाथ पर लेकर के इस तरीके से घुमाएंगे। अगर हाथ पे चिपक रही है और ये तार भी नहीं बन रहा है यानी कि चाशनी तैयार हो गई है। अब चिपक भी रही है लेकिन तार भी नहीं है यानी कि चाशनी तैयार है। बहुत ज़्यादा देर नहीं खदकाना होता है चाशनी को, केवल 1 या 1.5 मिनट तक खदकाना होता है। उसके बाद ये जो बूंदी है इसको डाल देंगे इसमें और मिक्स कर देंगे। बूंदी डालने के बाद एक अच्छी तरीके से उबाला जाना चाहिए चाशनी में। आप देख सकते हैं चाशनी में एक उबाल आ गया है, गैस को बंद कर देंगे। अब करीब 20 से 25 मिनट के लिए चाशनी में ही बूंदी को पड़े रहने देंगे जिससे कि बूंदी चाशनी को सोख ले। 5-5, 10-10 मिनट में बूंदी को इस तरीके से एक दो बार चलाते रहें जिससे कि जो चाशनी है वो सब तरफ से बूंदी में अच्छी तरीके से भर जाए। आप देख सकते हैं चाशनी काफ़ी कम हो गई है, वो भी चाशनी बूंदी में भर जाएगी अच्छी तरीके से। तो इसी तरीके से बीच बीच में चलाते रहेंगे बूंदी को। आप देख सकते हैं बूंदी ने पूरी चाशनी को अच्छी तरीके से पी लिया है। तो हम लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाने के लिए हाथ को या तो चिकना कर लें या फिर थोड़ा पानी लगा लें। अब इसको जितने बड़ा लड्डू बनाना हो उतनी बूंदी लें और अच्छे से दबा करके, और जैसे लड्डू बनाते हैं सेम उसी तरीके से लड्डू बनाएंगे।
तरीके से जितने बड़े बड़े आपको लड्डू बनाने हो उतने बड़े बड़े आप लड्डू बना लें। अगर आपको कलर कम लगे तो आप कलर ज़्यादा डाल सकते हैं। इसी तरीके से सभी लड्डुओं को बना लेंगे, हल्का सा दबा करके बनाएंगे। अभी थोड़ी गर्म है बूंदी तो हाथ में लग सकती है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं लड्डू, और वो भी एकदम घर के बने हुए ताजी ताजी। बूंदी के लड्डू बनकर के तैयार हो गए हैं, और अच्छे तरीके से दबा करके इस तरीके से बूंदी के लड्डू बनाने हैं। इस तरीके से हाथ में लेकर के और अच्छे से दबाएं, और जब अच्छे से दबाएंगे तो धीरे धीरे ये लड्डू बन जाएगा। इस तरीके से ये लड्डू बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ये जो कटोरियां आती हैं बूंदी के लड्डू रखने के लिए मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। पिन कटोरियों में लड्डुओं को रख सकते हैं, और ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बूंदी में मिगी भी मिला सकते हैं, जो खरबूजे की मिगी आती हैं वो, या तरबूजे की मिगी जो आपको पसंद हो वो मिला सकते हैं। काजू मिला सकते हैं इसमें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं लड्डू। ये थोड़ी मोटी बूंदी के लड्डू हैं। आप ये बूंदी के लड्डू बना करके देखिए, कमेंट में बताइए मुझे आपको ये बूंदी के लड्डू कैसे लगे। अगर आपको ये बूंदी के लड्डू की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करें रेसिपी को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन।